हेलो एवरीवन, मैं रिशु एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में भिंडी और बैगन खाने से घर में बच्चे के साथ क्या क्या होता है। प्रेगनेंसी में भिंडी बैगन खाना चाहिए, अगर खाना चाहिए तो कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, सारी बातें इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ। तो अगर आपका भी प्रेगनेंसी में भिंडी या बैगन खाने का मन कर रहा है तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, बाद में कमेंट्स करें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो घंटे उसको भी जरूर दबाएं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है कि प्रेगनेंसी में खाने पीने की आदतों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपके खाने पीने से घर में बच्चे की हेल्थ जुड़ी होती है। तो प्रेगनेंसी में आपको हमेशा वही चीजें खाने के लिए सलाह दी जाती है जिससे आपके घर में बच्चे के विकास पर कोई भी फर्क ना पड़े। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं भिंडी की। तो भिंडी प्रेगनेंसी में खाना बिल्कुल सुरक्षित है, आप भिंडी का सेवन प्रेगनेंसी में कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीका और इसकी क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम प्रेगनेंसी में भिंडी खाने के फायदे के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फायदा भिंडी खाने का होता है कि भिंडी में विटामिन सी पाया जाता है, तो जो घर में बच्चे के विकास के लिए अच्छा होता है। इसके साथ ही भिंडी आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती है। भिंडी खाने से फोलेट की कमी पूरी होती है। इसके साथ ही भिंडी खाने से प्रेगनेंसी में आपकी कब्ज की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। साथ ही भिंडी खाने से प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल सही रहता है। इसके बाद भिंडी आपकी अच्छी नींद लाने में भी हेल्प करती है, मतलब भिंडी आपकी अनिद्रा की समस्या को दूर करती है। इसके बाद भिंडी में और भी एक अच्छा गुण होता है, वो होता है अगर आप प्रेगनेंसी में भिंडी का सेवन करते हैं तो ये आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को भी खत्म करती है। इसके बाद ही भिंडी खाने का सबसे बड़ा फायदा है, भिंडी आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांस को काफी हद तक बढ़ा देती है। इसके बाद भिंडी आपके खून की कमी को भी पूरा करती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट ज्यादा ना बढ़े ये भिंडी फुल ख्याल रखती है, मतलब अगर आप भिंडी का सेवन करते हैं तो आपका वेट भी कंट्रोल में रहता है। आप कैसे खाना है इसको और कितनी मात्रा में खाना है, जैसे कि फ्रेंड्स, कई लोगों का शौक होता है कि कई लोग कच्ची भिंडी खा लेते हैं ऐसे, तो आपको कच्ची भिंडी नहीं खानी चाहिए, भिंडी की सब्जी बनाकर ही आपको खानी चाहिए। और भिंडी का सेवन आप करते हैं तो आपको लंच में करना चाहिए, डिनर में आपको भिंडी का सेवन नहीं करना चाहिए। भिंडी खाने से आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट फूल सकता है आपका और बेवजह पेट में दर्द हो सकता है, साथ ही पथरी की दिक्कत भी आपको हो सकती है, लूज मोशन आपको हो सकते हैं अगर आप ज्यादा मात्रा में भिंडी का सेवन करती हैं। इसके बाद एक खास चीज का ख्याल रखना है, अगर आपको प्रेगनेंसी में पथरी की प्रॉब्लम है तो आपको भिंडी गलती से भी नहीं खानी है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स बैगन की। तो बैगन प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, उसकी मैं आपको वजह बताती हूँ क्यों। बैगन क्या करता है कि आपके ब्लड फ्लो को एक्साइटेड करता है, जिस वजह से प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हो सकता है। इसके बाद बैगन खाने से प्रेगनेंसी में एलर्जी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, स्किन एलर्जीज होती है, बहुत ज्यादा इचिंग की प्रॉब्लम होती है, ऐसी दिक्कतें आपको बढ़ सकती हैं प्रेगनेंसी में बैगन खाने से। इसके साथ ही जैसे आप सबको पता है कि बैगन बहुत ही ज्यादा बादी वाला माना जाता है, मतलब कि बैगन खाने से गैस ज्यादा बनती है, इसीलिए प्रेगनेंसी में बैगन खाने को आपको मना किया जाता है। और प्रेगनेंसी में बैगन आपके बच्चे के लिए भी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, और अगर आपको प्रेगनेंसी में कब्ज की दिक्कत है तो बैगन उसको और बढ़ाएगा। वैसे आप पहले कब्ज से परेशान है और बैगन खाएंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। और कब्ज ज्यादा प्रेगनेंसी में नहीं रहनी चाहिए, कब्ज बिल्कुल भी सही नहीं होती है। प्रेगनेंसी में कब्ज ज्यादा रहेगी तो बवासीर का कारण भी बन सकती है, इसीलिए 100 की सीधी बात, प्रेगनेंसी में आपको चाहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, सेकंड ट्राइमेस्टर हो, थर्ड ट्राइमेस्टर हो, बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। आजकल बैगन को चमकीला और सुंदर बनाने के लिए, मार्केट में इजीली बेचने के लिए कितने सारे केमिकल का यूज किया जाता है, आपने देखा होगा मार्केट में चमकीले चमकीले बैगन मिलते हैं, शाइनिंग वाले, तो उनमें केमिकल का यूज किया जाता है, इसलिए बैगन बिल्कुल भी सेफ नहीं है। प्रेगनेंसी में आपको बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए, बैगन खाने से आपको बचना चाहिए। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो घंटे उसको भी जरूर दबाएं, और हमारा बेबी चैनल भी है उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।